फ्रेंड्स, कोरिएंडर लीव्स जब भी हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसका खुशबू बहुत अच्छा आता है और हमारी जो खाने का इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वही कोरिएंडर लीव्स हम लोग अपने स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। इससे हमारे पिगमेंटेशन के दाग या एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हो या अनइवन स्किन टोन हो या हमारे स्किन में कोई भी डार्क पैचेस हो, सबको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, हमारे जिद्दी से जिद्दी टैन को हटाते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग इस फेस पैक को प्रिपेयर कर सकते हैं और रेगुलर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मेड ग्लो विद पोम्पा में, मैं पोम्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस रेमेडी के लिए हमें पहला जो चाहिए इंग्रेडिएंट वो है कोरिएंडर लीव्स। और ये कोरिएंडर लीव्स हमारे सबके घर में आते हैं, हम लोग मार्केट से ले ही आते हैं सब्जियों में डालने के लिए। वही कोरिएंडर लीव्स से कुछ पत्ते हम लोग ले लेंगे हमारे स्किन केयर के लिए। कोरिएंडर लीव्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सेसिव ऑयली स्किन के लिए, उसके साथ साथ एक्सेसिव ड्राई स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे पिगमेंटेशन को दूर करता है, अगर हमारी स्किन सन डैमेज हो गई है तो उससे हीलिंग करता है एंड उसी के साथ साथ हमारे स्किन में एजिंग के साइन आने से रोकता है एंड उसी के साथ साथ भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है इस कोरिएंडर लीव्स में। और इसके साथ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून चीनी, और चीनी में होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड जो हमारे स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करती है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक मिक्सी के जार में पीस लिया है एंड इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें कोरिएंडर लीव्स के जो जूस है वो भी मिल जाएंगे, उसके साथ साथ चीनी का जो एक्सट्रैक्ट है ग्लाइकोलिक एसिड वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जूस को स्ट्रेन कर लेती हूँ, और तब तक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। तो यहाँ पे हमें जूस मिल गया है, उसके साथ घर में जो आसानी से मिलता है वो है हमारे घर में बेसन। बेसन हम लोग हमेशा घर में रखते हैं, तो मैंने 1 टीस्पून लिया है बेसन एंड उसके साथ चुटकी भर मैंने लिया है यहाँ पे कस्तूरी हल्दी। आप लोग के पास अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग खाने वाला हल्दी ले सकते हैं, और सबसे बढ़िया होगा अगर आप लोग कच्चे हल्दी का इस्तेमाल कर सके। इसमें कच्चे हल्दी को थोड़ा सा पेस्ट करके इसमें मिक्स कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा एक पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। ये हमारे स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करेगा, उसके साथ साथ हमारी स्किन कम्प्लेक्शन को इन्हांस करेगा। तो इस फेस पैक को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट स्टेप में शेयर करती हूँ। तो मैंने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था एंड उसके बाद पूरे फेस में, ऑल ओवर फेस में इस फेस पैक को अप्लाई करना है और इसको रख देना है 15 मिनट तक। आज यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नेक्स्ट में बेसन, जो हमारे घर में हमेशा रहता है, मिलता है, लेकिन बेसन हमारे स्किन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, हमारे स्किन से डेड सेल की जो लेयर है उसको हटा देता है, स्किन को बहुत अच्छे से पॉलिश करता है। रेगुलर बेसन इस्तेमाल करने से हमारे जो स्किन कम्प्लेक्शन है वो बहुत अच्छे से इन्हांस होता है, ब्राइटन हो जाती है, लाइटन होती है, इसीलिए बेसन का यूज़ किया है। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो हमारी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे हल्दी का यूज किया है। तो मैंने देखिए यहाँ पे फेस पैक को 15 मिनट तक रख दिया था एंड उसके बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी लिया, हल्के हाथों से मसाज किया एंड एक वाइप टिश्यू के मदद से पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है एंड उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ हमारे फेस को धो लेना है। ये फेस पैक अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश लगेगी, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन हो जाएगी, लाइटन हो जाएगी। फेस को बहुत अच्छे से धो लिया है एंड उसके बाद मैंने हाथों में लिया है 2 to 3 drops ग्लिसरीन एंड उसके साथ 6 to 7 drops रोज वाटर मिला के बहुत अच्छे से फेस में अप्लाई किया है ताकि ये टोनर का भी काम करे एंड उसके साथ साथ हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखे, मेरी स्किन खींची खींची ना लगे, बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल हो जाए। तो आप लोग इस जगह पे मॉइस्चराइजर का भी यूज़ कर सकते हैं, और डे टाइम में करते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। हफ्ते में 3 बार आप लोग इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये फेस पैक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है अपने फेस के ऊपर। 12 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इस फेस पैक को यूज़ कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आज की ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।